पुष्कर के गणपति नगर में आयोजित हुआ गरबा रास का कार्यक्रम, युवतियों ने जमकर खेला गरबा, विदेशी पर्यटकों ने भी आनंद लिया गरबा रास का। ब्रह्म पुष्कर न्यूज पर देखिए कविता पारासर और मीनल शर्मा की एक रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं मीनल शर्मा। खबर अब विस्तार से। पवित्र तीर्थ नगरी पुष्कर में स्थित माता रानी के मंदिरों में गरबा रास का आयोजन रखा गया। यह आयोजन 9 दिन तक चला, जिसमें पुष्कर के पुरोहिता मंदिर, प्रेम प्रकाश आश्रम, दादी चा आश्रम के पीछे मरुधर केशरी, जमनी कुंड रोड, गणपति नगर स्थित साई भैरव धाम पर गरबे का आयोजन रखा गया। यहाँ पर युवतियों ने माता रानी के भजनों पर जमकर गरबा खेला। यही नहीं, विदेशी पर्यटक भी श्रद्धा भाव के साथ गरबा खेलते हुए दिखे। खबरें देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास भी है खबर तो हमें मोबाइल नंबर पर संपर्क करें 9928586309। गरबा का प्रोग्राम हो रहा है, तो चलो हम देखते हैं कि यहाँ पे कैसा प्रोग्राम हो रहा है। यहाँ पे बहुत ही भक्तजन पहुँचे हैं, तो मैं इनसे पूछना चाहूंगी कि इनको यहाँ पे आके आज कैसा लग रहा है। मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आज यहाँ पे आके आपको कैसा लग रहा है? जी, बहुत ही अच्छा लग रहा है कि घर पे जैसे बैठे रहते हैं महिलाएं मोस्टली, तो यहाँ पे नौ माता जी आती है तो लड़कियाँ भी आती है, तैयार होकर डांस कर लेती है, गरबा खेल लेती है। आप कब से आ रहे हैं यहाँ पे? कितने दिन? पूरे 9 दिन हो गए। मैं आपसे पूछना चाहूंगी, हाँ यहाँ पे बाबा का मंदिर है, बाबा आते हैं और 9 दिन गरबा होते हैं और अच्छे हो रहे हैं, सब आते हैं, पापा आती है। कैसा लग रहा है आज आपको यहाँ पे आके? बहुत अच्छा है। इससे पहले मैंने प्रोग्राम किया है यहाँ और बस श्याम बाबा की कृपा है और भैरव बाबा की कृपा, इनकी वजह से मैं बचा हूँ। तो बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पे एक और है गरबा खेलते भी, तो मैं इनसे पूछना चाहूंगी कि आज इनको यहाँ पे इतने सज धज के कैसा लग रहा है यहाँ पे गरबा खेलते हैं? हमें यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, हम यहाँ से 9 दिन से आ रहे हैं, हमें यहाँ पे अच्छा लगता है, हर साल आते हैं हम। क्या मांगते हो आप माता रानी? हम जो भी मांगते हैं हमारी मनोकामना पूर्ण होती है। कैसा लगता है यहाँ पे आके आपको रोज गरबा खेलते? बहुत सालों से आप आ रहे हो यहाँ? हम दो तीन साल से आ रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है हमें यहाँ पे गरबा खेल के। जग में मेरी माई का दरबारा, सबसे बड़ा है जग में मेरी माई का दरबारा।
पर्यटक भी यहाँ पर आते हैं। ये तो जगह जननी का मंदिर है, यहाँ तो सरदार भाव से जो भी आते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, और यहाँ तो विदेशी पर्यटक तक भी आते हैं। और ये मेरे साथ 9 दिन नवरात्र आदि शक्ति का व्रत उपवास का आधार लेकर के पूरे माँ की भक्ति में लगा हुआ है। सिर्फ जल के अलावा कुछ भी चीज का उन्हें नहीं लेता है, उसकी मनोकामना पूर्ण हुई है, उसके भाव की भक्ति के आगे तो माँ की श्रद्धा क्या, माँ को श्रद्धा चाहिए, श्रद्धा से आया है, श्रद्धा से मनोकामना पूर्ण हुई। और भी कई आते हैं, कई सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। और नवरात्र तो होने भी चाहिए, पुष्कर के अंदर कहीं भी ऐसा गरबा का उत्सव नहीं है जहाँ पर्यटक भी जा सके। ये गणेश जी भटवाई गणेश जी के मंदिर के पास में जहाँ एकांत है, शांत वातावरण है, भगवती का मंदिर है, तो हर साल मैं तो ये कहूँ कि यहाँ गरबा हो और इसी प्रकार आनंद हो, और सभी भक्त यानी पुष्कर नगरवासी सभी सहयोग करें, और सभी सहयोग देते हैं, पर्यटक का सहयोग देते हैं। अच्छा, मैं आए हुए यहाँ पे पर्यटक जो है उनसे पूछना चाहूंगी कि उनको आज ऐसा कैसा लग रहा है। नमस्कार, माय नेम इज योगी कैश एंड आई एम फीलिंग फुल पावर, फुल डिवोशन, वन लव, यू नो, कमिंग टुगेदर थ्रू भक्ति, जाना, अष्टांग, ऑल ऑफ दिस टुगेदर, द कल्चर एंड द पीपल कम टुगेदर थ्रू द म्यूजिक एंड थ्रू द लव, द माया। सो I'm very grateful to, you know, be part of this experience. I heard about Nandeliu fasting eating about Durga. Yes. So this is the 9th day that I've been fasting for Navaratri, you know, full devotion and full power to the divine goddess, the divine goddesses and the divine true creator. I feel at home because my mother is Hindu. And she tells me stories when I'm very young. I'm very curious, who is Ganesha, who is Hanuman, who is Kali, all this. So now I'm here fasting and I feel more sensitive. I feel I can feel more and lots of color and music. It's very any special. Music, what are you learning? So I am learning from Dinesh at Pushkar Music School, guitar. I trade my guitar for sitar. Because there's more deeper soulful meaning in Indian classical music. And also you're learning Garba, I think. Garba, Raga, Morning Raga, like learning, dancing, much to learn, much to explore in this culture. So, Dhanyabad, I'm very grateful.